को जीना झूठा मरना सच्चा ना मरिए भाई राजवीर जी, मेरे बड़े भाई बंदा जी, 100 रुपए से मान सम्मान कर दी, बार बार धन्यवाद। भाई राजवीर जी के सुपुत्र अमित कुमार जी, वो भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। परमात्मा इस बच्चे को कुशाग्र बुद्धि दे, ओनहार बनाओ। यू भी मेरा झूठी मेरा मेरी से, जीना झूठा मरना सच्चा ना मरने में देरी से। मानस बीमार हो जाओ, गांव में दिखाऊंगे, फिर जुलाने दिखाऊंगे, फिर रोहतक पीजीआई में ले जाएंगे। पीजीआई वाले भी जवाब दे देंगे, घर सेवा करो, फिर छोरी फेटना होगी। अन्यों कहेगी रोहतक आया न के बेरा, मेरी ननद की सासू ने भी नाइट गए थे, सार ठीक हो जी, जाकर उन्हें ले जाओ, कौन बा फिर बाजेगा। लेकिन न्यू बेरानी बखत ऊपर आ रहा है, न्यू कही है कि जितने सांस लिखे किस्मत में उतने आऊंगे गिन के, फालतू नहीं आओगा। पहले नंबर पे क्या सारा तक बूटी तो है अक्सर दई सबर नहीं और बाप धन जाए ओए बेसबरे सबर नहीं धन में प्रे तही ने बुझा ओ दीक्षा केरी बबर नहीं छोटे भाई काला राम जी 100 रुपए से मान सम्मान। भगवान स्वरूप गुरु महाराज जी 100 रुपए से अपने बच्चे को मान सम्मान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। गुरु जी को बार बार नमस्कार है, इनके श्री चरणों में नतमस्तक है। लाख वर्ष की नीम धरित्री एक मिनट की खबर नहीं, शमशाना तक बूटी टो है तर जिस तर जबर नहीं, अरबापति धन चाव बेसबरे तर सबर नहीं, धन में फिर धनी न भूलिया जी कह के ही बबर नहीं, और साहूकार सोच ले सरपत्र काल बली की गहरी से, जीना झूठा मरना साचा ना मरने में देरी से। एक शेठ जी अपने नौकर था, अपने मुनीम तो नौकर लग गया, भाई टोटल सा मार के न्यू बता कितना सामा है। उस मुनीम ने हिसाब ला कर न्यू बता दिया, जी आपके पास इतना धन है, आपकी 5 पीढ़ी बेठी खा सके, चाहे खाज करने खातिर भी नौकर राख लो जब भी नहीं सपड़े। न्यू बोलिया बैसी आ कोरे, न्यू बोलिया फिर 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पीढ़ी का केर रहा होगा। शेठ जी का बहम हो गया, बड़े बड़े नीम वैद्य की मौको दिखाया लेकिन कोई आराम नहीं,
नगरी में एक फकीर आ गए, जैसे हमारी नगरी में भी आज विभिन्न स्थानों से साधु समाज के संत भगवान स्वरूप आए हुए। अर्जुन साधा उसे की तरफ न काट थी, उस सेठ जी का कुंभ ने बेरा पटिया के नगरी दबार एक संत आ रहा है, वह बीमारी ने कौन छोड़ता, मानस भूडा मुंह करे जा है और हंसदा हुए है, ओ भी ले गए जाकर दंडोत प्रणाम कर आओ क्या बात है। न्यो बोला हे संत जी, हे बाबा जी, हे गुरु महाराज, मैं इस नगरी का सेठ, बहुत अच्छी बात। न्यो बोला मेरा दोहरा इतना धन है, मेरी पांच पीढ़ी बैठी खास के, भैया तो बहुत बढ़िया बढ़िया के फिर छकी का के रहा होगा। संत जी पकड़ गए बात ने, न्यो बोला शेठ जी तेरा ऐसा जब तक कर दू तेरी सौ पीढ़ी बैठी खाएगा, पाया में लोट गया। न्यो बोला बाबा जी तेरा शान नहीं भूलूंगा। न्यो बोला भाई इसके लिए तने एक काम करना होगा कि सारा शहर में धर्मादा बांट दे गरीबा में, तेरी नगरी में कोई भूखे पेट नहीं सो गया, नाज की गाड़ी पर है गेला मुनिमर छतरी लेकर गाड़ी में बैठ गया, तमाम नगरी में धर्मादा बांट दिया। मुनिमर शेठ जी बैठे, ओ शेठ जी ने कहने लग गया अपनी नगरी में को रह तो नहीं गया। ओ मुनीम ने बोलिया जी एक घर रह गया, कौन है अग भोड़ा राप है, दो सासू बहु एक झुफड़ी में रहे हैं और दोनों बेद वहां कमाने वाला कोई नहीं, वो घर रह गया। ने बोले फिर तक अजत गाड़ी ले चाली, अनाज की गाड़ी भर के और उड़े बरना के गए, बुढ़िया बरना के बैठी पलाठी मार के माड़ा फेरन लाग रही और जाके न्यो कह लग गया बुढ़िया माता क्या भाई। न्यो बोला मैं इस नगरी का शेठ हूं, के होगा भाई मदर बांधा बांडू हूं, अग बांटता होगा भाई। न्यू बोला तन्ने बता कितनी बोरी कुण से नाच की चाहिए और पलियादार कटप बोरी ठाण ने तैयार है, वह न्यू बोली डट जा भाई मारा ही बना गिरी है। अग हो रे अग मैं बहू ने पूछ लू, उस बुढ़िया ने रुका मारा कि बेटी के हा मां अग अपने देखिए कितना के रसल पानी है, वह बहु पंडा माथ मार के न्यू बोली मां सांझ की चार रोटियां का अपने चून से। वह बुढ़िया ने बोली भाई रे शेठ ले जा अपने जाज ने, हमने ना चंदा यू नाज क्यों क्यों क्या मार तो सांझ की रोटियां चून से। न्यू बोला फिर बुढ़िया तो सांझ सांझ का है, तड़के का कितना होगा कौन देगा। न्यू बोली भैया सोच हमने कोई नहीं, अकोरे अया सोच तो उसकी है जिसकी सांझ आला दे रखा, जब उस शेठ की आँख खुली अगे तड़का लन छोटे अंड तू ग्यारह पीढ़िया बजा के खड़िया दूसरे नंबर पे क्या। काला बहुत बढ़िया सेवादार भाई, मेरे ढा गांव से काफी नाम पहले 50 रुपये से और मान सम्मान करते हैं। लोगों यू आदमी तो गड्डी का तलाड़ा कूदता है, पहले अपने बूढ़े गड्डी वहा करते बोलो तो गड्डी और उस गड्डी का तला कूदता चल लिया करता, उस कुत्ता का यू भरम हो गया गड्डी तेरा सारा चल रही है, वो कुत्ता खड़िया हो गया गड्डी ने तो चलना ही था, कदे को न्यू मान जा मारा घर मेरा तान चल रहा है, आज यू गांव मेरा तान बस रहा है, यू उसका बहम है, इंदिरा मरण में भी राज नहीं था मेरा तेरा भी तो पहले प्रधानमंत्री बिठा दिया था। दूसरे नंबर पर क्या पाछे याद नहीं
शमशाना तक कौन बाहर होवे देर होवे पर बार नहीं तेरी माता रोवे केल मरे मरिया मारा गया कृष्ण अर्जुन रोंग तो कौन रुकिया सारे भाइया ने समझाया नहीं मान्या कर्म कृष्ण ने लिया बुला गए केतरा भगत विचलित हो गया भगवान कृष्ण जी आए क्या भगत के बात है ने बोला हे प्रभु मेरा रे भी किए गया एक छोरा था वो हिंदुस्तान ने मार दिया अंधेरे की दीवार निकल गई भगवान श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया ने बोला बोले केरा कह तू इसका बाबू बन लिया केरा कह यू तेरा बाबू बन लिया दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे क्या बापू या झूठी दुनिया सारी नजर फोला हट के खजमाना खुद मुल्व का यारी से जिंदगी थोड़ी काम गए या बात पाड़ते भाई राजेंद्र जी राजवीर और बंदा जी काफी नाम पहले 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद शाने शाने मानस बैठे थे नौकर लागे पंडित जी सारी बात झूठी बता दी फिर सच्चाई क्या में है न्यो बोला एक बात में सच्चाई है और लोगों या सच्चाई भी है सबसे बड़ा तप गर्भसान में है जब उसके नियमा पर टल रहे दो कऊ अतिथि साधु संत की सेवा वचनबद्ध होकर अपने गृहस्थ धर्म का पालन करे तो इसका बड़ा तप नहीं है चौथे नंबर पर भेद बताया है रहस्य बताया है पंडित जी ने क्या अरे भक्ति ऐसी भजन करे उन्हें भय भी दिया
हरी कीर्तन गाए जाते मैल बात में रह गए संतोष मुरा पर बन को ना संतोष नहीं गए सभी के भजन करते मोक्ष मिले जे मोक्ष मिले